हमारा विज्ञान जैसे जैसे आधुनिक होता जा रहा है, इसके संसाधन आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की ये चाह भी बढ़ती जा रही है कि वो ये पता लगा पाएं कि हमारे पृथ्वी के परे भी कहीं कोई जीवन मौजूद हो सकता है। क्या इंसानों के लिए कोई नया बसेरा हो सकता है? क्या इंसानों के रहने लायक कोई ग्रह हो सकता है? तो इसी खोज में उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने एक ऐसे ग्रह को ढूंढ लिया है जो लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। वो भी चट्टानी ग्रह है, वहाँ भी पानी मौजूद है, वहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है और तमाम वो चीज़ें मौजूद है जो हमारी पृथ्वी पर है। तो ये ग्रह कौन सा है? क्योंकि ये ग्रह हमारे सौरमंडल में नहीं है बल्कि हमारे सौरमंडल से बाहर है, यानी ये एक एक्सोप्लेनेट है। और इसी एक्सोप्लेनेट के बारे में वैज्ञानिक अब बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को ऐसा भी लगता है कि क्या कहीं यहीं से तो कोई एलियंस हमारी पृथ्वी पर नहीं आता। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष दूर, 48 लाइट ईयर्स दूर, एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जहां पर पृथ्वी के जैसा वायुमंडल है, पृथ्वी के जैसा ही सतह है, पृथ्वी के जैसा ही पानी है और पृथ्वी के जैसा ही तमाम वो संसाधन मौजूद है जिससे वहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। तो इस खोज में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बड़ी भूमिका अदा की है, क्योंकि पहले जो टेलीस्कोप था उसने जब इस ग्रह पे फोकस किया था तब वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि यह कोई छोटा नेपच्यून जैसा ग्रह होगा। लेकिन जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से इस ग्रह पर बहुत ही गहन पड़ताल की गई तो सारी चीजें परत दर परत खुलने लगी और वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि यह ग्रह अपने तारे के, यानी कि जिस तरह से हमारा सूरज है उसी तरीके से ये जिस तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिस रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा कर रहा है, वो उसके ऑर्बिट में हैबिटेबल जोन में है, यानी गोल्डिलॉक जोन में है। ये वो जगह होती है जहां पर अगर कोई ग्रह मौजूद है तो वहां पर पानी अपने वास्तविक रूप में रह सकता है। वहां पर तापमान इतना होता है कि पानी ना बिल्कुल ही बर्फ के स्टेज में चला जाए ना ही वाष्प बन के उड़ जाए, और वहां पर इतना तापमान होता है कि वहां पर कोई इंसान जिंदा रह सकता है या फिर वहां पर जीवन को सपोर्ट करने वाले तत्व जिंदा रह सकते हैं। तो इस जोन में पाए जाने वाले ग्रह पर ही जीवन की संभावना बताई जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी भी जो सूरज, जो पूरा सौरमंडल है, उसके हैबिटेबल जोन में आता है, गोल्डिलॉक जोन में आती है। और वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक जिस एक्सोप्लेनेट की खोज की गई है, जिसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है, उसका नाम है LHS 1140b। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष दूर सेटस तारा मंडल में स्थित एक एक्सोप्लेनेट है। दावा है कि यह एक सुपर अर्थ आइस, यानी पानी की दुनिया हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि LHS 1140b हाइड्रोजन से भरपूर घने वायुमंडल वाला एक छोटा नेपच्यून जैसा ग्रह हो सकता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों से ये जानकारी जुटाई गई है कि ये पृथ्वी से बड़ा एक्सोप्लेनेट है जो चट्टानी ढांचे वाला पानी से भरपूर ग्रह हो सकता है। और जेम्स वेब के डाटा से ये भी संकेत मिलता है कि LHS 1140b में पृथ्वी के जैसा ही, यानी कि इसके समान ही नाइट्रोजन से भरा हुआ वातावरण हो सकता है। इस ग्रह को लेकर कई और चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि ग्रह के द्रव्यमान का लगभग 20% हिस्सा पानी से बना हो सकता है और इस ग्रह में महासागर के होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके केंद्र का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, जो पानी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए काफी है। और इस ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसकी समानता इतनी ज्यादा है पृथ्वी से कि इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। साथ ही वैज्ञानिकों ने कहा कि LHS-114b एक दिन हमारे सौर मंडल से परे एक विदेशी दुनिया की सतह पर तरल पानी की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करने के लिए हमारी सबसे अच्छी शर्त हो सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि जो वर्तमान मॉडल संकेत दे रहे हैं उसके मुताबिक ये ग्रह स्नोबॉल ग्रह हो सकता है, यानी कि यहां पर एक बड़ा हिस्सा आइस के तौर पे मौजूद हो सकता है या बर्फ की सतहें हो सकती है और उसके नीचे पानी मौजूद हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पे जो दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पर मोटी परत बर्फ की है, उसी तरह का कुछ यहां पर इस ग्रह पर भी हो सकता है, इसलिए इसे एक स्नोबॉल ग्रह भी कहा जा रहा है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका व्यास लगभग 4000 किलोमीटर है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले शुरुआती आंकड़ों में ये तो तय हो गया कि ये ग्रह लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। यह अलग बात है कि इसका आकार हमारी पृथ्वी से ज्यादा है, लेकिन वैज्ञानिकों की उम्मीद इसको लेकर के ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहां के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह मात्रा लगभग उतनी ही है जितनी हमारी पृथ्वी पर है। अब सवाल यह उठता है कि यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो यहां ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, यहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी, और यहां के तापमान के बारे में तो पता चल गया कि यह 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो सवाल यह उठता है कि क्या इसका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है? तो इसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भी आंकड़े जुटा रहा है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह पता चल जाएगा कि यह चट्टानी ग्रह तो है, यहां पर सतह तो मौजूद है, यहां पर पानी तो मौजूद है, लेकिन क्या वहां पर जीवन भी किसी स्वरूप में मौजूद है? क्योंकि अगर सारे हालात पृथ्वी के जैसे हैं तो जिस तरीके से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, क्या उसी तरीके से वहां पर भी जीवन की उत्पत्ति हुई है? और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यहां पर जिस तरह का वायुमंडल है, ये आने वाले 100-200 साल के बाद की बात कर लें, उसके बाद के संसाधन की बात कर लें, उसके बाद के तकनीक की बात कर लें, तो क्या इस ग्रह तक पहुंचा जा सकता है और इस ग्रह पर इंसानों का बसेरा बसाया जा सकता है, यानी वहां पर इंसानों की बस्ती बनाई जा सकती है? हालांकि ये बहुत जल्दबाजी में कंक्लूजन नहीं किया जा सकता क्योंकि जो 48 प्रकाश वर्ष दूर की बात होती है तो वहां पहुंचना तो अभी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन है, वहां पर नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन आने वाले सैकड़ों साल बाद क्या ऐसा ये ग्रह साबित हो सकता है, या फिर जिस तरीके से तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है तो उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या हम आने वाले समय में इतनी तेजी से ट्रेवल कर पाएंगे कि इस ग्रह तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन उससे पहले वो तमाम आंकड़े जुटाए जा रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि ये ग्रह वाकई इंसानों के रहने लायक हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।